अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है तो सारे दोस्त खैर खरीया नाल हो। सो मोहम्मद वकास तुहारी खिदमत च हाजिर है ते तुसां दे पए हो यूट्यूब चैनल किसान पॉइंट। दोस्तों जिवें कि तुसां सारयां मालूम है कि गंदम दा सीजन चलदा पे, ते गंदम दे सीजन दे विच पिछले कोई 2-3 सालां तों खाद दी अदम दस्तयाबी दा शिकार हैं किसान। तां दोस्तों अज थोड़ा जिहा गंदम दी खाद दे हवाले दे नाल गल करसां कि गंदम नूं कितनी खाद चाहिए होंगी है, कमज़ोर जमीन वास्ते कितनी खाद देनी चाहिए है, दरम्यानी जमीन वास्ते कि है, तो ज़्यादा अच्छी या जखेज़ जमीन वास्ते सानूं कितनी खाद देनी चाहिए है। तो दोस्तों सब तो पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है कि जेडे दोस्त अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो वो दोस्त हर साल गंदम की फसल काश्त करने तो पहले अपनी मिट्टी का टैसट लाजमी कराएं। दोस्तों टैसट करावन दे नाल तुहानूं ये पता लग जांदा है कि थोड़ी जी जमीन है उस थोड़ी नाइट्रोजन की कितनी जरूरत है, थोड़ी फास्फोरस की कितनी जरूरत है, तो थोड़ी पोटाश की कितनी जरूरत है, थोड़ी जमीन कहे दर्जे के आती है, क्या वह कमजोर जमीन है या वह दरम्यानी जमीन है या बहुत ही अच्छी और जरखेज जमीन है। दोस्तों सब तो पहले असा नाइट्रोजन की गल कर सा, नाइट्रोजन अगे असा त्राए कैटेगरिया इस्तेमाल करने, कमजोर जमीन वास्ते भी, दरम्यानी जमीन वास्ते भी, ताकतवर जमीन वास्ते भी। तो दोस्तों सब तो पहले सारी कमजोर जमीन ने, तो सन कमजोर जमीन दे विच नाइट्रोजन 54 किलोग्राम फी एकड़ वास्ते दरकार होंगी है या इस्तेमाल करनी चाहिए अच्छी पैदावार वास्ते। दूजे नंबर ते दोस्तों सारे कोले दरम्यानी जमीन, तो दोस्तों दरम्यानी जमीन दे विच सन नाइट्रोजन की 48 किलोग्राम खालिस मकदार। तीजे नंबर सारी अच्छियां जमीन जरखेज जमीन तो उत्थे दोस्तों सानू 32 किलोग्राम खालिस नाइट्रोजन की मिकदार दरकार होंगी अच्छी पैदावार हासिल करने वास्ते गंदम दी फी एकड़। दूजे नंबर ते दोस्तों हुण गल करी ने फास्फोरस दी, मतलब ए DAP MAP वगैरह दी। तां दोस्तों साडी कमजोर जमीन वास्ते सानू 46 किलोग्राम खालिस फास्फोरस की मिकदार चाहिए होंगी गंदम वास्ते। इसे तरह दूजे नंबर ते सारे कोल दरम्यानी जमीन है, तो दोस्तों दरम्यानी जमीन वास्ते सानू 34 किलोग्राम फी एकड़ खालिस फास्फोरस की मकदार गन्ना वास्ते चाहिए होंगी। अगर इस कम तुसा फास्फोरस दे सो तो थोड़ी जी पैदावार है वो डेफिनेटली कम ही होनी। ये नंबर ते दोस्तों सारे कोले अच्छियां जमीन या जरखेज़ जमीन, दोस्तों जरखेज़ जमीन वास्ते सानू जी फास्फोरस की मकदार चाहिए होंगी है वो सिर्फ 26 किलोग्राम फी एकड़ है गन्ना वास्ते। तो हुण गल करीने पोटाश के हवाले नाल के दे बारे, तो दोस्तों कमजोर जमीन वास्ते सानू पोटाश की खालिस मकदार 25 किलो चाहिए है, और इसे तरह जी सारी दरम्यानी जमीन है उस वास्ते भी सानू 25 किलोग्राम खालिस मकदार फी एकड़ गंदम वास्ते पोटाश की दरकार होंगी। उस बाद जी सारी अच्छी जमीन है जरखेज जमीन है उन्होंने पोटाश की मकदार होंगी है। तो दोस्तों पिछले विलॉग जेडे पोटाश के बारे दसा गया है कि 150 PPM तक अगर थोड़ी पोटाश जमीन दे विच है तो फिर थोड़ी जमीन अच्छी है और जरखेज है। इसे तरह दोस्तों अगर तुसा मिट्टी का टेस्ट करे सो तो थोड़ा डेफिनेटली पता लग गए कि थोड़ी जमीन दे विच पोटाश की कितनी मकदार है, कितने PPM तक है। अगर वो 150 PPM तक है तो फिर थोड़ा पोटाश इस्तेमाल करने की कोई जरूरत भी कोई नहीं। अगर मकदार पोटाश की 150 PPM 150 PPM तो कम है तो फिर तुम पोटाश इस्तेमाल करनी पौसी अगर तुसा अच्छी पैदावार हासिल करनी है। तो हूँ आखिर तो दोस्तों इन्हों तमाम खादा के बारे थोड़ा स्लाइड के भी स्क्रीन उत्ते स्लाइड भी नज़र आती पई हो सी, अगर मजीद भी किसी दोस्त को समझ ना आई हो तो उस स्लाइड में पढ़ के भी अंदाजा कर सकता है उसनों अपनी गंदम वास्ते कमजोर जमीन दरम्यानी या अच्छी जमीन वास्ते नाइट्रोजन कितनी चाहिए, फास्फोरस कितनी चाहिए और पोटाश कितनी चाहिए, और इन्होंने खालिस मकदारा बैग के हिसाब के नाल वीडियो के एंड ते देखे सो। तो कोशिश करनी है वीडियो पूरी देखनी है, अगर वीडियो पूरी देख सो तो आखिर ते वाज के तुसा उन्होंने तस्वीर देख के तुसा बखूबी अंदाजा ला सको कि थानू अपनी जमीन दे विच नाइट्रोजन कितनी चाहिए है, फास्फोरस कितनी चाहिए और पोटाश कितनी चाहिए है। उम्मीद करी हाँ थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो सी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो सारे चैनल में सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो ताकि मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस तक थानू रसाई मुमकिन हो सके। तो मिलते हैं एक नवे वीलॉग के नाल। अल्लाह हाफ।